आज आपको अपना घर दिखाऊंगी। ये मैंने नया घर बनवाया है, ये देखो 3 मंजिल करवाया है मैंने, ये अपना नया घर। ये देखो 3 मंजिल तक हमने अपना नया घर बनवाया है। अब हम अंदर जाएंगे ये घर की तरफ, मैं आपको सारा घर दिखाऊंगी अपना। ये मेरा आगे नीचे हॉल है गाड़ी खड़ी करने के लिए। ये नीचे है, अभी यहाँ वाश बेसन लगेगा। ये हमने एक कमरा नीचे निकलवाया अपने ससुर जी के लिए। ये नीचे कमरा है, काफ़ी बड़ा है। ये लैट्रिन बाथरूम है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ये लैट्रिन बाथरूम है और ये मैं ऊपर जाऊंगी, ये दूसरी मंजिल पर मैं रहती हूँ। अभी हमारा थोड़ा काम बचा है, यहाँ लाइट वगैरह लगेंगी, पर मैं शिफ्ट हो गई हूँ, यहाँ सीढ़ियों पे बाकी है लाइट लगना। ये देखो, ये मैं अब दिखाऊंगी आपको, यहाँ मैं रहती हूँ इसमें। ये बाहर का रूम है गेस्ट का। अभी हमारा सामान अभी हम और लाएंगे। ये बाहर बालकनी है मेरी, काफ़ी बड़ी बालकनी है, आपको पूरी बालकनी दिखाती हूँ। देखो, और ये गेस्टों का रूम है, ये है हॉल मेरा, ये हॉल है, ये लैट्रिन बाथरूम है ना। यहाँ पर हम अभी सोफा लाएंगे, यहाँ पर हम सोफा डालेंगे। ये ऊपर की तरफ सीढ़ी गई है, तीसरी मंजिल पे हमने देवर जी के लिए बनवाया है तीसरी मंजिल। ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरी किचन है, ये मेरा रूम है। ये देखो, रूम भी काफ़ी बड़ा है ये मेरा। मेरा रूम है, बहुत ही प्यारा है। ये देखो, ये हमने ऊपर की डिजाइन करवाई है, छत की फॉल सीलिंग। अभी इसमें लाइट वगैरह बाकी रह गई, अभी हमारा काम बाकी रह गया है थोड़ा बहुत। ये टीवी लगवा ली है मैंने अपने यहाँ, और ये हम तीसरी मंजिल पर जाएंगे ऊपर, देवर जी के लिए बनवाया है। अभी यहाँ भी थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये देखो सामान पड़ा है, अभी यहाँ अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है। ये सेम पोजीशन है जैसा नीचे था, वैसे ही यहाँ भी है। ये उनका रूम है देवर जी का, ये किचन है, सेम एक जैसा पोजीशन करवाया। ये फिर चौथी मंजिल के लिए गया है ऊपर सीढ़ियाँ। सो अगर मेरा मकान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना।